आज रात 12 बजे हूं रोडवेज का होगा चक्का जाम। अगर थे रोडवेज में सफर करनो पसंद करो हो तो थार के लिए एक सूचना है। कृपया सभी दोस्त ने जो ये चीज पर ध्यान दी कि रोडवेज बस को आज रात 12 बजे हूं चक्का जाम रखो गयो है। एक दिन के लिए रोडवेज बसा को चक्का जाम रखो। हालांकि दोस्तों हड़ताल करने पर सरकार के द्वारा रेशमा लागू करो गयो है। अभी जो हड़ताल की अगर बात करी जा रही है तो बिकमैन सरकार के साथ में अगर कोई सम्मानपूर्ण समझौतो हुआ है तो यह हड़ताल टाली जा सके है, लेकिन इको अभी फैसलों को नहीं हो पाए है। फिलहाल हड़ताल है जो तय है और इकमैन जो रोडवेज कर्मचारी ही बाकी 21 सूत्री मांग ही बन लेके या जो हड़ताल करी जा रही है। बिकमैन मुख्य रूप अगर बात करी जा रही है तो समय पर वेतन भुगतान न लेके है, पुरानो वेतन है वो बंको भुगतान करने लेके आदि विभिन्न मांगन लेके यो चक्का जाम रखो गयो है। दोस्तों अभी बात करा तो कि ये उम्मीद करी जा रही है कि जो भी रोडवेज कर्मचारी ही बंको सरकार के साथ में अगर कोई सम्मानपूर्ण समझौतो हो जाए है तो बीके बाद में यो चक्का जाम टालो भी जा सके। हालांकि अभी तक यही है कि चक्का जाम रखो गयो है एक दिन को चक्का जाम चीज पर जो रोडवेज कर्मचारी ही अड़ी गए। रोडवेज कर्मचारी ही बाकी जो हड़ताल है भी पर परिवहन विभाग भी सख्त है। परिवहन आयोग एक आदेश भी निकालो है कि हड़ताल करने वाला जो कर्मचारी ही जो बस संचालक ही बन भी आदेश जारी किया गया ही और पुलिस ने भी है जो इकले ताकीद करी गई है। सभी रोडवेज कर्मचारी को अवकाश रद्द कर दियो गयो है और अगर कोई भी रोडवेज कर्मचारी अगर चक्का जाम कर रहे हो या ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बिन होश के गिरफ्तार भी करो जा सके है।